हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो अभी मैं आपके सामने आ चुका हूँ एक इम्पॉर्टेंट अपडेट लेके। तो पटवारी की पोस्टें जो हैं वो JKSSB को जो है वो रेफ़र हुई हैं। कितनी पोस्टें रेफ़र हुई हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज मैं आपको बताऊंगा कि कितनी पोस्टें आइडेंटिफाई की गई है और JKSSB को रेफ़र की गई हैं। लेकिन उससे पहले अगर हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जो है ज़रूर ज्वाइन करें, जहां पर हम डेली MCQ प्रैक्टिस करते हैं और वो MCQ आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाले हैं। तो चलिए गाइस, अब बात करेंगे कि पटवारी की कितनी पोस्ट को आइडेंटिफाई किया गया। तो 576 पोस्ट को जो है पटवारी की पोस्ट को आइडेंटिफाई किया और JKSSB को जो है ये पोस्टें जो है रेफ़र हो रही हैं। तो अगर बात करें अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट की, तो टोटल 29 पोस्टें यहाँ पे रेफ़र की गई हैं। कुलगाम में 24, पुलवामा में 15 पोस्टें, शोपियां में 6 पोस्टें, बांडीपुरा में 22 पोस्टें जो हैं आइडेंटिफाई की गई हैं, बारामूला में 28 पोस्टें, कुपवाड़ा में 26 पोस्टें, श्रीनगर में 19 पोस्टें और गांधरबल में 12 पोस्टें। तो ये था आपका कश्मीर डिवीज़न और बड़गाम रह गया। बड़गाम की अगर बात करें तो बड़गाम में 6 पोस्टें जो हैं आइडेंटिफाई की गई हैं। तो आगे चलेंगे जम्मू डिवीज़न की तरफ। तो जम्मू में जो है 21 पोस्टें रेफर आइडेंटिफाई की गई हैं, सांबा में 14 पोस्टें, कठुआ में 58 पोस्टें, उधमपुर में 50 पोस्टें, रियासी में 32 पोस्टें, डोडा में 41 पोस्टें, किश्तवाड़ में 27 पोस्टें और रामबन में 39 पोस्टें। तो ये है पूरी बाइफरकेशन की डिस्ट्रिक्ट वाइज कितनी पोस्टें जो है आइडेंटिफाई की गई हैं। उसके बाद अगर बात करें आगे किश्तवाड़ के बाद, तो रामबन 39, रजौरी में 63 और पुंछ में 44 और टोटल 576 पोस्टें जो है वो यहाँ पे जो है आइडेंटिफाई की गई हैं। इनको यूटी वाइज जो है निकाला जाएगा। ओपन मेरिट के लिए 238 हैं और बाकी कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं आगे बाइफरकेशन। लेकिन टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो हैं वो 576 जो है आइडेंटिफाई की गई हैं और JKSSB को रेफ़र जो है वो हो रही हैं ये पोस्टें। तो बहुत जल्द आपको जो पटवारी की रिक्रूटमेंट है वो भी जो है JKSSB की तरफ से देखने को मिलेगी। लेकिन क्वेश्चन जो सबसे बड़ा है कि कब तक, तो कब तक का जो जवाब है वो अभी नहीं है, थोड़ा सा टाइम इसके रिलेटेड जो है वो लगेगा और उसके बाद जो है इसकी नोटिफिकेशन जो है आउट कर दी जाएगी और आप सबको मौका मिलेगा एक बार फिर से जो है पटवारी का एग्ज़ाम देने के लिए। तो इसके लिए मैं आपको एक ही बात कहूँगा, जो रिसेंट पटवारी का एग्ज़ाम हुआ है उसको आप एनालाइज़ कर सकते हैं कि किस तरह का पेपर जो है पटवारी के लिए सेट किया गया था। और उर्दू इस बार कंपलसरी रखा गया था, तो मे बी नेक्स्ट बार भी जो है उर्दू को कंपलसरी रखा जा सकता है। तो आई होप चीज़ें आपको समझ आई होंगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू गाइज़।